भाई ये है बेबी ऑक्टोपस, ये लोगों को दिखाओ तो सही। ओह माय गॉड, रुक देखो अगर मैं खा लूं कितने पैसे दोगी? एक रुपया नहीं, सजा दूंगी खाने की, कीड़ा मकोड़ा। और ये ऐसा लग रहा है मॉन्स्टर है। हां जी भाई, हमारा तुर्की का ट्रिप आ रहा है हम लोग जी। वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। भाई आपका भाई सुबह सुबह उठ के बैठ गया है रोशनी रोशनी में, वरना तुम लोग को पता है कि हाँ ये सुबह सुबह ही है भाई। दो बज रहे साथ, शेम ऑन यू। पूछा मैंने कुछ? वरना तुम लोग को पता है कि अंधेरे में व्लॉग होते हैं, अंधेरे में इंट्रो होता है, मेरी शुगर मेला नहीं लगता, वो जो है ना रंग नजर नहीं आते व्लॉग के अंदर। लेकिन सुबह सुबह इसलिए बैठ गए हैं क्योंकि हमें करना है तुर्की का वीजा अप्लाई और दफा होना है तुर्की। हां जी भाई, हमारा तुर्की का ट्रिप आ रहा है। ऐसे ही घूमने फिरने नहीं जा रहे, काम से जा रहे हैं। वहां पे जो है हमें इन्विटेशन आया, लेकिन काम सिर्फ 2 से 3 दिन का है। मैं तो कहता हूँ 10 दिन आवारा गर्दी करके आते हैं स्कूल से भाई। मुझे तो बहुत पसंद है कि रूप ने तो बहुत देर से रोला डाला हुआ था कि यार मुझे भी तुर्की जाना है, मुझे भी तुर्की जाना है। तो मैंने कहा इसको भी लेके चलते हैं, वरना इसको पूछा नहीं था किसी ने, कंपनी वालों ने सिर्फ मुझे ही बुलाया, इसको पूछा। अरूप वहाँ पे किसी ने तुम्हें नहीं पूछा था भाई, झूठ बोल रही है। मैं तो उनके तल्ले मिनते कर करके थक गया कि मेरे साथ अरूप भी है, उसको भी आना है। मैं तो उनके तल्ले मिनते कर रहा भाई, वरना तुम्हें वहाँ पे किसी ने पूछा नहीं था, ये कॉम्प्लीमेंट्री समझो अपना। तुम्हारा वहाँ पे कोई काम कोम नहीं है, मैं अकेले भी जाऊँ तो ये दुनिया सेम टू सेम रहेगी भाई। लेकिन अब मसला ये है कि अगर मैं अपने शहर लाहौर के अंदर तुर्की का वीजा अप्लाई करूंगा तो मुझे तकरीबन लगेंगे 20 दिन, जो बहुत लंबा टाइम है। लेकिन अगर मैं दूसरे शहर जाके कराची में अप्लाई करूंगा तो मुझे लगेंगे 3 दिन। तो आपका भाई वेला नहीं है तो सीधा कराची चलते हैं, ठीक है? पासपोर्ट जमा करवाते हैं और वीजा लगवाते हैं तुर्की का भाई। साथ कितने दिन के लिए जाना है वैसे? बस 2 दिन के लिए जाना है, बस 2 कपड़े डालो फटाफट निकलो, इतना कोई टाइम नहीं है, बस अभी वाली फ्लाइट पकड़नी हमने। हफ्ते के लिए जा रही हूँ, कितने कपड़े रखे हैं? यार इमरजेंसी के लिए कपड़े रख लेने चाहिए ना यार, अब मेरा सोते सोते पेशाब निकल आए, मुंह पिशी निकल आए, फिर क्या करेंगे यार? वहाँ पे हम लोग कपड़े तो नहीं खरीदते फिरेंगे ना यार। रूप नैपिया भी रख लो, मेरी बेबी पाउडर रख लो, चूसनी वगैरह और कपड़े भी रख लिए, पैकिंग डन हो गई है। नाश्ता तो यस करो भाई। होय होय होय, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अरूप मैं एक ही अंडा खा खा के थक गया हूँ, कुछ नया बना दिया करो। निकल घर में ना भी कोई गाड़ी चलाने वाला नहीं है, इसलिए हमें जो है ना ऊबर शुबर ही करवानी पड़ेगी, ठीक है? और ऊपर आएगी फिर हम सीधा एयरपोर्ट ले, ऊबर करानी पड़ेगी, भी घर में अभी गाड़ी चलाने वाला कोई भी नहीं है। A few moments later. ऊपर आ गई, ऊबर आ गई, ऊबर आ गई, ऊबर आ गई, ऊबर आ गई। फटाफट फटाफट एयरपोर्ट ले जाओ, फ्लाइट मेरी मुक जाएगी, उड़ जाएगी, फिर मैं तुर्की नहीं जा पाऊंगा। बहुत शुक्रिया। तो शुक्र है टाइम से एयरपोर्ट पहुंच गए, बोर्डिंग पास वगैरह मिल गया है। अभी जो है ना सामने से कोई नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, कॉफी शॉफी पकड़ लेते हैं। अरूप का एक ही अंडा खा खा के थक गया हूं मैं। ये वाला कर दो पिज्जा, एक कर दो बस। जब रोजाना एक ही अंडा खा के पिज्जे की बाइट लो ना, मजा ही आ जाता है भाई। जहाज पे बैठ गए हैं अभी, तुम लोगों को जो है ना मिलता हूँ 1.5 घंटे बाद कराची पहुंच गए। फाइनली लैंड हो गए हैं, ठीक है? अभी चलते हैं बाहर मॉल दिखाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। कराची हम लोग लैंड हो गए थे और हमें जो है ना जैद भाई फटाफट ले आए हैं एक सी फूड रेस्टोरेंट पे, ट्रे ही मछलियों का ले आए हैं। ये देखो भाई, ओए ओए ओए, ये तो कच्ची है, कच्ची है या पकी हुई है? पकी हुई है। अच्छा ये ऐसे ही टेबल पे प्लेट की जगह जो है ना उन्होंने शीट पे डाल दी है, वो कह रहे हैं कि कुत्तों की तरह खाओ, कुत्तों की तरह खाना पड़ेगा आपको। साथ ये राइस लेके आए हैं, साथ ही क्या फ्राइज हैं, चावल भी टेबल पे बिछा दिए यार। तो यार इसके अंदर क्रैब्स हैं, इसके अंदर और क्या क्या क्रैब्स हैं, और इसके अंदर प्रॉन है, स्क्विड है, मसल है, क्रैब, ग्रेजर क्रैब, कॉर्नर पोटेटो है, सब कुछ ही है। ये क्या क्या चीजें खिलाने लेके आए हो भैया हैं? ये मार तो नहीं दोगे? नहीं नहीं, सी फूड है। ये लॉबस्टर है? तो भाई ये लॉबस्टर है, मैं जिंदगी में पहली बार लॉबस्टर खाने लगा हूँ, तो भाई फर्स्ट टाइम जो है ना मैं टेस्ट करने लगा हूँ लॉबस्टर। तुमने क्या खाया कभी लॉबस्टर? ये तो ऑक्टोपस भी ले आए हैं, क्या आ गया भाई? ये भी वही चीज है, ये वही चीज है, उसने दोबारा देखो ना यार, बंदा प्यालियाँ ले आते हैं यार, हैं ग्लव्स पहन लिए बच्चों ने, हैं मुझे भी दो वही। तो ये जो है ना हमें ग्लव्स पहन के उसके बाद खाना पड़ेगा।
सर तो भाई बड़े बड़े हाथ लग रहे हैं। इसमें सबसे अच्छा क्या है? आप कड़ी ना दाल चावल में है। अच्छा कैसा है? मजेदार। मजा आ जाएगा भाई। बाहर मैं खाता था कीड़े मकोड़े। ये देखो भाई ये खाने जा रहा हूँ। क्या खा रहे हो? लॉबस्टर ट्राई करने। लेट मी ट्राई भाई। फर्स्ट टाइम जो है मैं लॉबस्टर ट्राई करने लगा हूँ। कैसा है? ऐसा लग रहा है मेरे अंदर कोई नई ताकत आ गई है। ये सही जगह लेके आए हो यार। मजा आ गया। सारे बच्चे मसरूफ है खाना खाने में। तो यार ये है ओइस्टर शेल। ये देखो ये भी खाने वाली चीज होती है पता है। खाओ। इसको खोलते हैं पहले। ओए ये देखो अंदर से क्या निकला है। हस फॉर गॉड सेक डोंट ईट दिस। अरुब ये देखो मत खाओ। अरुब बहुत मजे का है भाई। भाई ये है बेबी ऑक्टोपस। ये देखो लोगों को दिखाओ तो सही। अरुप देखो अगर मैं खा लूं कितने पैसे दोगी? एक रुपया नहीं सजा दूंगी खाने के। कीड़ा मकोड़ा तो बा मजे का। अरुप जनरल बहुत मजे का। सी फूड है लाल है भाई। उधर दिखाओ टेबल का हाल आप लोग देख सकते हैं। मजा आ गया। कौन सी जगह पे ले आया था आपको? तो भाई मेरे सबसे बेस्ट जो है ना वो ये है लॉबस्टर। देखो सख्त देखो कितने। और ये ना बिल्कुल जानवर ऐसा लग रहा है ये सी पे पड़ा हुआ था कराची के समंदर भाई। ऐसा लग रहा है मॉन्स्टर है। और यहाँ से इसका मीट यहाँ से उतारा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ओए होए ओए होए ओए होए ओए आपको तो वर्ल्ड कप में खेलना चाहिए है। कुछ हलो कोई शोशा करके दिखाओ ना। ओए होए डिजाइनर रूम है। और अब इस तरह का रूम बनवाना है यार। नए घर में बनवाएंगे इंशाल्लाह। बड़े मजे का जो है ना इन्होंने शोशा दी हुई है ठीक है। छत देखो पूरा वो जो है ना उन्होंने बड़ा मजे का डिजाइन किया हुआ है। यहाँ से मैंने काफी हद तक इंस्पिरेशन पकड़ लिया है। और ये बेड के जो है ना इर्द गिर्द भी उन्होंने बत्तियां दी हुई है। मतलब कि अगर मैं यहाँ से बत्ती बंद कर लूंगा ना तो ये देखो बेड ऐसा लगता है जैसे फ्लोट कर रहा है भाई। ये भी करवा सकते हैं अपने कमरे में करवाएं बेड के नीचे बत्ती। कार्टून लगेगा घर हमारा तो। अरु उस कमरे में कार्टून ही तो रहते हैं। बात तो सही है। खैर अब हम कराची हम लोग थोड़ा हा लेट पहुंचे थे तो ऑफिसेज वगैरह बंद हो गए थे वीजा वगैरह के। तो अब हमें कल अर्ली मॉर्निंग जाना है वीजा लगवाने। तो वो होपफुली जो है ना 2-3 दिन तक आ जाएगा। कल भी हम लोग यहीं पे हैं कोई शुगर मेला प्लान करते हैं अच्छा सा। फिलहाल मैं यहाँ पे ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के तक भाई ब्लॉग गैंग को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं कल। ओका।